हेलो स्टूडेंट्स मैं हूं रचना बंसल मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिंगस ठीक है आज हेलो एल्केन्स क्या होते हैं हेलोजन्स के कंपाउंड्स होते हैं हेलोजन्स आप लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से किसके अंदर इनऑर्गेनिक के अंदर पीरियडिक टेबल में कहाँ आते हैं ये सेवनटीन क्लास के अंदर आते हैं क्या होते हैं ये फ्लोरिन क्लोरिन रोमिन आयोडीन ठीक है इस तरीके से अगर ये हमारा एल्केन कंपाउंड से जुड़ता है तब इसको क्या बोलते हैं हेलो एल्न अगर ये हमारा किससे जुड़ता है एरिन वाले कंपाउंड से जुड़ता है तो उसको बोलते हैं हेलो ठीक है देखते हैं किस तरीके से होते हैं ये तो द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन इन एन एलिटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हेलोजन एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हेलाइट एंड एरिल हेलाइट रेस्पेक्टिवली ठीक है तो देखिए क्या हुआ हमने एल्किन लिया ठीक है इस तरीके से ये अपना एल्केन है कोई अब इसका हाइड्रोजन मान लो ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस किया जा रहा है किससे क्लोरीन से ठीक है क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बन गया यहां क्या आएगा क्लोरीन ठीक है तो ये क्या बन गया हमारा हेलो एल्केन फॉर्म हुआ ऐसे ही अगर हमारा ये बेंजीन रिंग के अंदर हाइड्रोजन रिप्लेस करके कोई भी एक्स आता है तो इसको बोलते हैं हेलो एरिंगस ये यही बता रहा है ठीक है एल्किल हेलाइड हेलो एल्किस एंड एरिल हेलाइड हेलो एरिंगस बनाता है ठीक है ये कुछ भी हो सकता है जैसे ये सी एच फोर मेथेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके सी एच थ्री एक्स फॉर्म कर सकता है ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है तो देखिए सी एन H two n plus one X इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है ये ठीक है हेलो एल्केन्स का ठीक है इन दिस कंपाउंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इस sp three जैसे C S three C H two C H three ठीक है अब इसके अंदर मान लो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया मैंने तो दो कर दिए चलो एक कर दिया आपने बोला तो ठीक है अब इसके अंदर हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन निकालिए भैया एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर और एक हाइड्रोजन वाला हाइब्रिडाइजेशन क्या आया एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन ठीक है इन दीज कंपाउंड ज्योमेट्री ऑफ कार्बन इज टेट्राहेड्रल ये अपन सबको पता है कि जब एस पी थ्री हाइब्रिडाइशन होगा तो वी एस सी पी आर के द्वारा इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा टेट्राहेड्रल होगा और सेंट्रल कार्बन एटम हैज बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री मिनट्स ठीक है तो ये इसका अपना क्या हुआ जनरल हेलो एल्केन्स का ठीक है नेक्स्ट आप लोगों का आता है क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन के अंदर हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हेलोजन एटम अब देखिए क्लासिफिकेशन के अंदर हम दो तरीके से देखते हैं कि एक तो हमारे हेलोजन एटम कितने प्रेजेंट हैं उसके आधार पर जैसे मोनो डाई मोनोडाइ पॉली या फिर वो हेलोजन एटम है वो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है या फिर sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने हेलोजन प्रेजेंट हैं उसके आधार पर क्लासिफिकेशन तो मोनोहेलाइड मतलब मोनो मतलब एक तो एक हेलाइड जैसे सी थ्री एक्स ये भी क्या हुआ मोनोहेलाइड अब सी एस और एक्स ये भी क्या हुआ मोनोहेलाइड अब जैसे इसमें हेलोजन की जगह क्या लिया अपन ने क्लोरीन लिया तो क्लोरोमेथेन बन गया ऐसे ही यहाँ पर ब्रोमीन लिया तो ये ब्रोमो एथेन हुआ नेक्स्ट है डाई जिसके अंदर दो हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो डायलाइट डाय, हेलाई, डाय हेलाई के जुड़ने की व्यवस्था के आधार पर इनको बताया है जैम डाई दूसरा है विसिनल डायलाइट और तीसरा है अल्फा ओमेगा डायलाइट तो देखिए फर्स्ट है जैम डाई मतलब एक ही कार्बन से दोनों हेलोजन एटम जुड़े हुए हो तो उसको क्या बोलेंगे जैम डायलाइट ठीक है जैसे यहां पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है ठीक है इस तरीके से इसको क्या बोला जैम विसिनल डाई डाय डायलाइट मतलब इसमें तो एक ही कार्बन के पास दोनों हेलोजन एटम प्रेजेंट है थे। इसने बोला कि चल तू पास वाला भी ले ले मतलब पड़ोसी के पास प्रेजेंट है हेलाइड ठीक है तो इसको बोलेंगे विसिनल डाई अल्फा ओमेगा डाई इसने कहा हम मैं पड़ोसी को नहीं दूंगा मैं पड़ोसी को नहीं दूंगा लेकिन एक मिनट अरे देखो इस पर राउंड हो गया सी एच इसने बोला मैं पड़ोसी को नहीं दूंगा मैं दूसरे पड़ोसी को दूंगा हेलाइट तो ये आया अपना अल्फा ओमेगा डाई हेलाइट मतलब अगर एक ही कार्बन पर प्रेजेंट है दोनों हेलोजन तो जैम डाई हेलाइट अगर इसके पड़ोसी वाले कार्बन पर प्रेजेंट है एट सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट है

ठीक है अब इसके अंदर देखिए अगर हमारा तीनों अलग अलग उस पर प्रेजेंट हो तो ये वाला बना लेगा तो इसको बोलेंगे ट्राई हेलो ठीक है ऐसे ही अगर ये एरिन पर प्रेजेंट है तो ये ट्राई हेलो एरिन ठीक है तीन हेलोजन प्रेजेंट होंगे तो उसको क्या बोलेंगे ट्राई हेलाइट बोलेंगे ठीक है नेक्स्ट है आप लोगों का पॉलीहेलाइट मतलब तीन से ज्यादा प्रेजेंट है फोर एटम प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे पॉली हैलाइड्स जैसे फोर कार्बन टेट्राक्लोराइड किसमें आएगा पॉली हैलाइड्स के अंदर अब ऐसे ही हमारा बेंजीन रिंग के सारे कार्बन क्या हो जाएं सब्स्टिट्यूटेड हो जाएं किससे क्लोराइड से तब ये भी क्या हो गया अपना पॉली हैलाइड फॉर्म कर लेता है ठीक है अब देखते हैं क्लासिफिकेशन किसके आधार पर कि हैलाइड किस कार्बन से जुड़ा हुआ है अगर वो sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो sp3 कार्बन कंटेनिंग और अगर वो sp2 से जुड़ा हुआ है तो sp2 कार्बन कंटेनिंग हेलाइट तो देखिए sp3 कार्बन कंटेनिंग हम पहले पढ़ते हैं तो इसमें एल्किल है आता है दूसरा आता है एलाइलिक एलाइलिकलाइट और तीसरा आता है बेंजाइलिक बेनजाइलिकलाइट ठीक है अगर जब हम sp2 कार्बन से अटैच हेलाइट पढ़ते हैं तब तो एक आता है विनाइलिक विनाइलिकलाइट और दूसरा आता है एराइल हैलाइट ठीक है तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एल्किल हेलाइड एल्किल हेलाइड हेलो एल्केन्स ठीक है अगर ये वन डिग्री कार्बन से अटैच है तो वन डिग्री हेलो एल्केन अगर ये टू डिग्री कार्बन से अटैच है देखिए इससे दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं कार्बन से तो ये कार्बन कैसा हुआ टू डिग्री और टू डिग्री कार्बन से अटैच हेलाइड टू डिग्री एल्किल हेलाइड ठीक है अगर ये थ्री डिग्री कार्बन से अटैच है ये कैसा कार्बन है डिग्री? क्योंकि तीन तीन जुड़े हुए हैं, और से से जुड़ा हुआ क्या कहलाएगा? ठीक है? तो इस तरीके से हमने जो हेलो थे, उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी ठीक है नेक्स्ट आप लोगों का आता है एस थ्री कार्बन के अंदर ही डबल बॉन्ड सी ठीक है देन सी एच टू और फिर इससे कोई भी हेलाइट ग्रुप जुड़ा हुआ हो कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो ये इसकी क्या होती है एलाइलिक ठीक है ये कहता है कि देख ये वाला कार्बन इससे बात करके खुद तो डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है लेकिन इसका इससे टर्म अच्छे हैं इससे टर्म इसके अच्छे हैं तो लेकिन इसके तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है इससे ठीक तो है इस लेकिन ये कहता है चल ये मेरी एलाइलिक पोजीशन पर है ठीक है ये कार्बन मेरी एलाइलिक पोजीशन पर है और ये एलाइलिक पोजीशन पर कोई भी एटम आएगा उससे भी मेरे रिलेशन होंगे अच्छे तो ये कैसा होगा एलाइलिक हैलाइड होगा ठीक है तो एलाइलिक कार्बन कौन सा हुआ CH2 डबल बॉन्ड C H CH2 और X ठीक है और जिस पर दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हो और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसा है एसपी ये आप लोगों को मैं बता चुकी हूं इस पर जो जुड़ा हुआ होगा वो कौन सा होगा ठीक है अब ऐसे ही इसके अंदर ये पोजीशन है देखिए ये कार्बन था इसके रिलेशन इसके साथ कैसे थे डबल बॉन्ड जैसे थे लेकिन इससे जो पड़ोसी जुड़ा हुआ था इसके इससे किस तरीके से इससे इसके किस तरीके के थे एलाइलिक जैसे तो इसको बोला एलाइलिक कार्बन और इस पर जुड़ा हुआ कोई भी ग्रुप वो क्या कहलाया हेलाइलिक हेलाइट ठीक है बेंजाइलिक हेलाइट बेंजाइलिक मतलब ये क्या है अपनी बेंजीन रिंग बेंजीन रिंग के अंदर ये टॉलुइन था ठीक है अगर टॉलुइन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई दूसरा ग्रुप आता है उसको क्या बोलते हैं बेंजाइलिक पोजीशन पर जुड़ा हुआ ग्रुप तो इसमें ये कौन सा हुआ बेंजाइलिक हेलाइट अब ये बेंजाइलिक बेन्ड कौन सा वाला हेलाइड है देखिए इसके अंदर जो कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है एक कार्बन से जुड़ा हुआ है इसका, बेंजीन वाले कार्बन से तो जुड़ा हुआ है और बाकी दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो ये कैसा हुआ वन डिग्री बेंजाइलिक अब इसके अंदर देखिए ये कितने से जुड़ा हुआ है तीन आर ग्रुप है ये भी एक आर ग्रुप है ठीक है तो ये कैसा हुआ थ्री डिग्री तो इसको बोलेंगे थ्री डिग्री बेंजाइलिक बेनजाइड अगर ये इस तरीके से जुड़ा हुआ होता यहां पर CH फिर X, तो दो हेलाइड हो गए दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हो गए तो इसको बोलेंगे टू डिग्री बेंजाइलिक हेलाइड ठीक है इस तरीके से इनकी नेमिंग चलती है नेक्स्ट आप लोगों का आता है sp2 कार्बन से अटैच जो हेलाइड है वो कौन सा है तो विनाइलिक हेलाइड विनाइलिक हेलाइड मतलब कार्बन और कार्बन ठीक है इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी क्या थी फ्रेंडशिप थी तो इन्होंने डबल बॉन्ड जनरेट कर लिया और इससे कोई भी हेलाइट जुड़ा हुआ हुआ है तो उसको बोलेंगे विनाइलिक विनाइलिक ठीक है? ऐसे ही ऐसे ही अगर ये एराइल हेलाइट से जुड़ा हुआ है अब इसके अंदर देखिए ये भी क्या हुआ विनाइलिक हेलाइट क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ये तो ये क्या कहलाया विनाइलिक के अंदर देखिए कोई भी बेंजीन रिंग है उससे डायरेक्टली ही क्या जुड़ जाए कोई भी हेलोजन जुड़ जाए तो उसको बोलेंगे क्या अराइल हेलाइट अब इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखिए हमने देखा था कि बेंजीन रिंग के अंदर जितने भी कार्बन थे वो सारे के सारे कैसे थे एसपी टू हाइब्रेडाइज थे और इसका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ एसपी टू हाइब्रेडाइज है

कॉमन नेम देखे क्या होगा ये क्या है सी एच टू सी एस थ्री सी एस थ्री अब इसके अंदर ये फ्री रेडिकल फॉर्म कर रहा है वन प्रोपाइल ठीक है फर्स्ट पोजिशन पे जुड़ा हुआ है ये यहां पर अगर इसको ब्रेक करते हैं सी एस थ्री सी टू सी टू ठीक है बी आर यहां से ब्रेक किया यहां पर ये रेडिकल बना कौन सा बना प्रोपाइल ठीक है और कैसा है एन प्रोपाइल है तो एन प्रोपाइल ब्रोमाइड

और इस पर क्या जुड़ा हुआ है हेलोजन, इस तरीके से ठीक है चाहे ये इस तरीके से लिखे चाहे इस तरीके से लिखे सेम ही चीज है ठीक है तो इसको क्या बोलेंगे क्लोराइड ठीक है अब देखिए और भी नेम है आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूं तो देखते हैं वन बाई वन किस तरीके से इनकी नेमिंग की जाती है इसको बना लें पहले सी एस थ्री सी थ्री बनाइए अपनी अपनी कॉपीज़ के अंदर अब तक तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा नेमिंग ठीक है ये वाला ग्रुप है अब इसका नेम करना है नामकरण करना है करिए भी आई यू पी एस सी के अनुसार तो वन टू थ्री ठीक है तो टू टू डाई मिथाइल टू टू डाई मिथाइल लिखा हुआ है और इसमें मिथाइल का एम कैसा आ रहा है बाद में आ रहा है और बी पहले आ रहा है ब्रोमो का भी पहले आएगा दोनों ही सब्सटीट्यूएंट है तो बी वाले को पहले लिख दें तो वन ब्रोमो वन ब्रोमो टू टू, टू डाई और ये कौन सी है तीन कार्बन की चेन है तो प्रोपेन ऐसे ही इसके अंदर अच्छा इसके कॉमन नेम की बात करेंगे तो ये कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है नियो नियो और इसके अंदर यहां पर देखिए पूरा ही चला गया चलो वापस मेहनत करते हैं देखिए इसके हम कॉमन नेम की बात करते हैं तो देखिए कॉमन नेम के अंदर ये जो पूरा ग्रुप है वो कौन सा है नियो कितने कार्बन है वन टू थ्री फोर फाइव नियो पेंटाइल रेडिकल बना रहा है और साथ में ब्रोमाइड है तो क्या लिखेंगे नियो पेंटाइल ब्रोमाइड ठीक है अब इसके कॉमन नेम के अंदर देखिए यहाँ पर विनाइलिक ग्रुप दिख रहा है आपको सी एच टू डबल सी एच सी एल ठीक है तो ये क्या हुआ विनाइल क्लोराइड अगर हम इसके आई यू पी एस सी के नाम की बात करेंगे तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वन और टू तो वन पोजिशन पर क्या है क्लोरो तो वन क्लोरो अगर वन पोजिशन पर होता है तो लि, लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है तो वन क्लोरो और ये क्या हुआ इथिन वन क्लोरो इथिन ठीक है नेक्स्ट है आप लोगों का ये वाला इसको नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें वन टू थ्री ठीक है यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्या नंबरिंग कर दें नहीं रॉन्ग कहाँ से करेंगे वन टू थ्री क्यों करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड जिस साइड पहले आता है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो देखिए इसके अंदर थ्री पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है ब्रोमीन तो थ्री ब्रोमो प्रोपीन ठीक है अगर हम बात करते हैं इसके कॉमन नेम की तो ये कौन सा ग्रुप है पहचानो पड़ोसी डबल बॉन्ड फिर उसका पड़ोसी अपना एलाइलिक ग्रुप तो इसको क्या बोलेंगे एलाइन ब्रोमोइन ठीक है ऐसे ही इसके अंदर ये क्या है अपना टोलुन है ये वाला ग्रुप अपना देखिए इसको जब मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ तब तो आप इजीली पहचान लेते हो कि ये टोलोइन है अरे भाई ये भी यही है चिक ची चिक के ये यही बोल रहा है कि मैं हूं। अब टोलविन की ऑर्थो पर क्या जुड़ा हुआ है क्लोरीन तो इसको क्या बोलेंगे ऑर्थो क्लोरो टोलोइन और हम इसके आई यू पी एस सी में बस कुछ भी नहीं करना है सेकेंड पोजिशन पर जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे वन क्लोरो टू मिथाइल बेंजीन या फिर टू क्लोरो टॉलुइन भी बोल सकते हैं तो अपन इससे काम चला लेंगे टू क्लोरो टॉलुइन ठीक है नेक्स्ट है आप लोगों का ये कौन सा है बेंजाइल बेंजाइल क्लोराइड है अब इसको क्या बोलेंगे बेंजाइल क्लोराइड अब इसका आई नेम करेंगे तो यहां से नंबरिंग तो क्लोरो फिनाइल मैथिन ये चेन सेलेक्ट की ये मैथिन वाली चेन हुई चेन है ये मेथेन वाली चेन हुई तो देखिए वन पोजीशन पर तो क्लोरो जुड़ा हुआ है और वन पोजीशन से ही क्या जुड़ा हुआ है फिनाइल ग्रुप तो क्लोरो मिथेन अब ऐसे ही इसके अंदर इसकी नेमिंग करो आप लोग कीजिए इस वाले की मैं नहीं करा रही ये आप लोग करोगे चेन सेलेक्ट करो की ठीक है कौन सी पोजीशन पर आ रहा है वन पोजीशन पर आ रहा है तो क्या बोलेंगे वन वन क्लोरो तो वन वन नहीं लिखे तो भी चलेगा तो डाई क्लोरो और ये क्या है वन कार्बन की चेन है तो मेथेन इजी है ठीक है इसको करो कीजिए इसको क्या बोलेंगे क्लोरो ट्राईक्लोरोन ठीक है ऐसे इसको ट्राई ब्रोमो मिथिन ठीक है लेकिन इनके कॉमन नेम क्या है वो देख लीजिए इसका कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म इसका कॉमन नेम है ब्रोमोफॉर्म ठीक है इस तरीके से और इसको क्या बोलेंगे कॉमन नेम के अंदर ये क्या है मिथाइलीन क्लोराइड ठीक है इसको क्या बोलेंगे मिथाइलीन मिथाइलीन क्लोराइड क्योंकि लगा दिया ना आपने तो यहाँ समझ में आ जाता है कि यहाँ पर दो क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं ठीक है नेक्स्ट है आप लोगों का इसके अंदर नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड जैसे कार्बन और हेलोजन जुड़े हुए हैं हेलोजन कौन कौन से हैं अपने फ्लोरीन ब्रोमीन सॉरी ये ब्रोमीन कहाँ से आ गया पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ठीक है हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन ठीक है साइज इंक्रीज होता जाएगा ठीक है कार्बन तो वही है अपना तो बॉन्ड की डिस्टेंस क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी देखिए बढ़ती जा रही है बॉन्ड की डिस्टेंस कार्बन और आयोडीन की सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिस्टेंस हुई ठीक है अगर ये बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा हुई बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा हुई एक छोटी पेंसिल होती है जैसे ये बॉन्ड है इसको इजीली तोड़ सकते हैं ठीक है लेकिन छोटी पेंसिल ये वाला हुआ इसको ईजिली नहीं तोड़ सकते क्योंकि इसकी बॉन्ड डिस्टेंस कम है तो ये वाला बॉन्ड कैसा हुआ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हुआ ठीक है लेकिन ये वाला बॉन्ड कैसा हुआ वीक बॉन्ड होता है ठीक है बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में जमीन आसमान का अंतर है भाई ठीक है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है इसकी कम होती है इसीलिए ये जो फॉर्म हो रहा है वो कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है पोलर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है देखिए हेलोजन एटम आर मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम देन कार्बन एटम दे फॉर कार्बन और हेलोजन बॉन्ड ऑफ एल्किल एल्किलाइट इज पोलराइज कैसा होता है पोलर बॉन्ड होता है तो कार्बन पर क्या आएगा इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है इसकी पावर ज्यादा है तो ये कहेगा इलेक्ट्रॉन तो मैं ही रखूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स ये रखेगा तो क्या होगा नेगेटिव चार्ज इस पर आएगा और पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर आएगा ठीक है तो देखिए हम इसका चार्ट लेकर आए हैं इसके अंदर देखिए सी ठीक है अब इसकी बॉन्डलाइन देखिए जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जा रहा है इसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जा रही है देखिए सी एस सी एफ की वन थर्टी नाइन है इसके अंदर वन सेवेंटी एट हो गई और सी एस सी बी आर के अंदर और भी ज्यादा हो गई और सी एस सी आई के अंदर और भी ज़्यादा मतलब बॉन्ड लेंथ ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है ठीक है बात करते हैं एनथेल्पी की बॉन्ड एंथेल्पी मतलब बॉन्ड जितना जितना बड़ा होता जाएगा उसकी बॉन्ड एनथेल्पी कैसी होती जाएगी कम होती जाएगी तो देखिए इसको तोड़ने के लिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो देखिए यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है फिर इसका और इसका बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो देखिए इसमें थोड़ा कम हुई फिर इसमें और भी कम और इसमें बहुत ही कम तो देखिए यहाँ ऊपर से नीचे जाने पर बॉन्ड एंथेल्पी क्या हो रही है कम होती जा रही है बात करते हैं डायपोल मूवमेंट की तो डायपोल मूवमेंट के अंदर देखिए क्या होता है क्या होते हैं पोलर कैरेक्टर ठीक है अब इसके अंदर देखिए फ्लोरीन की कैसी है ज्यादा है ठीक है क्लोरीन से ठीक है लेकिन जब साइज की बात आती है तो क्लोरीन क्या करता है ज्यादा पोलराइज कर देता है तो डायपोल मूवमेंट इसका ज्यादा होता है सी एस थ्री क्लोरीन ठीक है इसका ज्यादा होता है सी एस थ्री एफ से ठीक है ये याद रखना है आप लोगों को ऑर्डर सी एस ट्री सी एल का ज्यादा होता है सी एस थ्री एफ से फिर किसका होता है सी एस थ्री ब्रोमाइड का और फिर सी एस थ्री आई का ठीक है क्योंकि देखो ये दोनों पास पास हैं इनकी बॉन्ड लेंथ कम है तो इसका डाइपोल मूवमेंट कैसा होगा ज्यादा होगा डाइपोल मूवमेंट क्या होता है डाइपोल मूवमेंट क्या होता है म्यूजू क्या होता है क्या होता है बताइए चार्ज इन R आर डिस्टेंस डी लिखते R लिख दो चाहे d लिख दो लेकिन देखिए इसके अंदर जो चार्ज है इसका चार्ज ज्यादा जनरेट हो रहा है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है लेकिन इसके कंपेयर में इसकी डेंस इसकी क्या हो रही है डिस्टेंस भी ज्यादा इंक्रीज हो रही है देखिए इसकी डिस्टेंस भी ज्यादा इंक्रीज हो रही है देखिए यहाँ पर तो इसका चार्ज भी ज्यादा है डिस्टेंस भी ज्यादा है तो डायपोल मूवमेंट इसका कैसा होगा ज्यादा होगा फिर एज कंपेयर टू दिस और इसके अंदर चार्ज फैक्टर कम हो जाता है इसकी वजह से इसकी डायपोल मूवमेंट कम होता है और इसका सबसे कम होगा ठीक है क्योंकि साइज इंक्रीज होता जाता है साइज इंक्रीज होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या होते हैं साइज इंक्रीज होता जाता है एनआईन का तो कोवलेंट कैरेक्टर कैसे होते जाते हैं कम होते जाते हैं तो इसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर आएगा सी एस टी आई के अंदर

और उनका हमने देखा क्या उनका नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड देखा ठीक है नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हेलो एल्किस किस तरीके से बनाते हैं ठीक है आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं थैंक यू